सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने योगी सरकार के मदरसों और दरगाह में योग दिवस का बायकॉट किया है। उन्होंने कहा है कि मदरसों और दरगाह में योग दिवस की क्या आवश्यकता है, मदरसों में योग दिवस की जगह तालीम दिवस मनाना चाहिए। अपने बेबाक बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने अपनी आवाज दीपा सराय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, योगी सरकार के मदरसों और दरगाहों में 21 जून को योग दिवस के फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मदरसों में योग दिवस की बजाय तालीम दिवस मनाना चाहिए, जिससे मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को एहसास दिलाया जाए कि तुम कम पढ़ रहे हो या क्या पढ़ रहे हो। तालीम दिवस मनाने से छात्र छात्राओं के इल्म में इजाफा होगा। सरकार चाहती है कि मदरसों में हिरासमेंट पैदा हो, मदरसे न चले, मुसलमान बच्चे मजहबी तालीम हासिल न करे। और क्या कहा डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। 21 जून को योग दिवस है और योगी सरकार ने ये फैसला लिया है तो मदरसों और दरगाहों में भी योग दिवस मनाया जाएगा, क्या कहना है? देखिए मदरसों का तो ये हिस्सा है नहीं, मदरसों में तालीम के लिए मनाइए, मदरसों में तालीम दिवस मनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए, योग दिवस से क्या मतलब है? तो योग दिवस को कैसा मानते हैं? अभी योग अच्छी चीज है, उसमें कोई बुरी चीज तो नहीं। हर आदमी अपने घर भी योग कर सकता है, अपने क्या पहले अखाड़े थे, ये थे, सब पहलवान कसरत करने जाते थे तो पहले ना था, लेकिन भाई पहले तालीम की भी कमी थी। अभी ये इन्होंने डेवलप करके इसको एक कानून बना दिया। नहीं, क्या वजह है जो सरकार मदरसों में और दरगाहों में योग दिवस कराने जा रही है? अरे ये मदरसों में हरेसमेंट फैलाने के लिए सिर्फ, और ये चाहते हैं कि ये मदरसे न चले और मुसलमान बच्चे वो अपने मजहबी तालीम हासिल न करें, ये इनका एक ही मंशा है।